हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग हिमाचल लर्निंग हिमाचल की एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है आज के सेशन में हम पॉलिटी के नेक्स्ट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रिगार्ड्स टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स नीड्स ओनली सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इट्स मैनर कोरम इन द पार्लियामेंट क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो अपना मार्क करना है तो देखिए कोरम इन द पार्लियामेंट जो आपका आर्टिकल हंड्रेड है आपका हंड्रेड आर्टिकल जो है वो कोरम की बात करता है पार्लियामेंट में कोरम की जहाँ पर बात की गई है कि आपके वन टेंथ जो है वो टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके ये जो है वो इतना जो है वो कोरम आपका होना चाहिए तभी सेशन आपका स्टार्ट होगा तो ये जो है कोरम इन द पार्लियामेंट इसके लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है एंड क्रिएशन ऑफ लजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैसे कौन सा आर्टिकल जो है वो लजिसलेटिव काउंसिल से रिलेटेड है तो आर्टिकल हमारा वन सिक्सटी नाइन जो है वो लजिस स्टेट लजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है जब आ, किसी स्टेट को चाहिए होती है स्टेट लजिस्लेटिव काउंसिल तो स्टेट लजिस्लेटिव असम्बली जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कराएगी और फिर पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है ऐसे ही अबोलिश भी कर सकती है तो सिंपल मेजोरिटी लगेगी पार्लियामेंट में तो जो थर्ड और फोर्थ आपके ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है इस ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या इसके मैनर की बात हो तो यहाँ पर आपकी स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ में हाफ ऑफ द स्टेट की लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की हमने अभी बात की कि इनको इनके रिलेटेड अगर बात आएगी अमेंडमेंट की तो स्पेशल मेजोरिटी भी लगेगी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट का uh, के लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन भी चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट तो स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो यहाँ पर भी सेम है आपका एनी ऑफ द लिस्ट इन सेवन्थ शेड्यूल तो सेवंथ शेड्यूल की बात हो चाहे रिप्रेजेंटेशन की बात हो स्टेट की या प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो इसके अलावा आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट करना हो तो यहाँ पर आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट के हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन चाहिए लेकिन अवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो क्रिएट करना हो या अवोलिश करना हो लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो इसमें सिंपल मेजोरिटी लगती है तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है ये है आपकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो ओपन का राइट right आंसर है इस क्वेश्चन का ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन दानस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छा द फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रसिडेंट शेल नोट बी अ मेम्बर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस ठीक है तो जो आर्टिकल नंबर हमारा फिफ्टी नाइन है फ़िफ्टी नाइन नंबर का जो आर्टिकल है ये आपके प्रेसिडेंट के ऑफिस कंडीशन की बात करता है और वहाँ पर यह एक कंडीशन मैंशन है कि जो प्रेसिडेंट हो गए वो किसी भी हाउस के मेंबर आपके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं हो सकते हैं है ना हालांकि उनकी एलिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए कि लोकसभा के मेंबर बनने के इक्वे उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल फिफ्टी नाइन इससे रिलेटेड है तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस दो जो आर्टिकल सेवेंटी नाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तो पार्लियामेंट की बात करता है और पार्लियामेंट में कौन कौन है आपके लोकसभा आती है आपकी राज्यसभा एंड आपके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपके इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट का तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी बोथ वन एंड टू तो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हमारा अगला क्वेश्चन है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर दी ऑल ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़ so with the consent of all states with the consent of majority of states with consent of state concerned without the consent of any state तो हमने पहले देखा है कि यूनियन लिस्ट भी है स्टेट लिस्ट भी है दोनों दोन, दोनों दोनों सेंटर गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की लेकिन स्पेशल केसेस भी हमने डिस्कस किए थे कि अगर तो स्टेट में जहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट लजिस्लेट कर सकती है आपकी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में जैसे कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हो या आपकी एमरजेंसी की सिचुएशन हो या आपके रा, राज्यसभा जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में बिल लेकर आए या स्टेट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को ऐसे ही आपकी इंटरनेशनल जब भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट कराने की बात आती है तो उस केस में भी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट्स में लजिस्लेट कर सकती है और स्टेट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट ठीक तो डी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वे डज़ द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज़ थ्रू कंसल्टेटिव कमेटीज ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स बाई मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन सेंट पीरियोडिके रिपोर्ट्स बाय कंपेलिंग द एगजटि टू इशू रिट्स तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो कैसे एग्जेक्टिवस के ऊपर कंट्रोल अपना जो है वो उसको परफॉर्म करती है या एक्सरसाइज करती है तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं इसका जो राइट right आंसर होगा थ्रू डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ तो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में अगर हम थोड़ा सा और जाने की कोशिश करें तो एक होती है एडहक कमेटीज़ होती हैं फिर हमारे पास परमानेंट कमे स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं वो परमानेंट इन नेचर होती हैं वो कंटीन्यूस बेसिस पर काम करती हैं जबकि जो एडोक कमेटीज़ हैं उनकी नेचर टेम्प्रेरी है जब काम ख़त्म हो जाएगा उनको दिया हुआ जो भी काम होगा तो फिर वो काम अपना काम कम्प्लीशन ऑफ टास्क के बाद ये टेम्परेरी बेसिस पर हैं एडहक कमेटीज़ जो है आपकी तो जो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर है तो अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 368 टू मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मैंशनड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज कैन बी सम एंड स्टेटमेंट फोर्थ है द पार्लियामेंट कैन नोट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छा तो जो स्टेटमेंट देखिए हम आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की हुई है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, थीन तीन मैथड जो है वो बताए हुए हैं अमेंडमेंट के एक तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो सकती है एक स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बताया है और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट के लेजिस्शन लेजिस्लेचर्स के रेटिफिकेशन की बात की हुई है तो तीन मेथड बताए हैं तो ऑप्शन आपका स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा नहीं किसी भी हाउस में चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो लोकसभा राज्यसभा सिर्फ पार्लियामेंट में ही पर, पर स्टेट के लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट का बिल जो है वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में अपर हाउस लोअर हाउस किसी भी हाउस में जो है वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको इनिशिएट किया जा सकता है उस बिल को तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा द प्रेसिडेंट कैन नोट बी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है प्रेसिडेंट को अपनी अम, असेंट जो है वो देनी ही देनी पड़ती है प्रेसिडेंट अपनी बी जो है वो वो नहीं लगा सकते हैं तो स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट है तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट भी इनकरेक्ट सेकंड भी इनकरेक्ट थर्ड भी इनकरेक्ट तो आपका राइट right ऑप्शन तो कोई भी नहीं बन रहा है यहाँ पे तो आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को जो है वो ध्यान में रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लगता है मिनिस्टर हों या प्राइवेट मेबर हों कोई भी इनिशियट कर सकते हैं आपका स्पेशल मेजोरिटी आपकी स्पेशल मेजोरिटी वैसे अगर हम इसकी बात करें इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम देखें तो स्पेशल मेजोरिटी आपकी स्पेशल मेजोरिटी और आपकी स्टेट स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट के हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन की बात जो है वो इस प्रोसेस में की हुई है सिंपल मेजोरिटी भी है लेकिन प्रोसेस में सिर्फ दो ही मेथड दिए हुए हैं तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारे पास ठीक है तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना सेवन्थ क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रिओर्गेनाइज और देयर बाउंड्रीज ऑल्टर बाई द यूनियन पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिशन टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू थर्ड मेजारिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ लेजि ऑफ द कंसर्न स्टेट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट तो ऑप्शन नंबर ए हमने आर्टिकल नंबर थ्री जो है उसमें साफ साफ दिखा हुआ है कि जो अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है नेम चेंज करना है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती तो ऑप्शन इसका ए जो है वो स्टेटमेंट नंबर वन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टिंग अ रेगुलेशन इन नाइन्थ शेड्यूल कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नाइन्थ शेड्यूल जो हमारा ऐड किया था उसमें जो भी चीज़ें ऐड की थी उनको बेसिकली जुडिशल रिव्यू से लेकिन एक कट ऑफ डेट यहाँ पर ऐड कर दी गई है कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री के बाद में जो भी मैटर्स इस नाइन्थ शेड्यूल से रिलेटेड होंगे उनका जुडिशल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है तो बेसिक स्ट्रक्चर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनी लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली चैलेंज ऑन अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपका जुडिशल रिव्यू हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर अफेक्ट कर रही है चीज़ें तो उसका जुडिशल रिव्यू तो हो ही सकता है तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन इसका जो है वो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल ओनली इन लोकसभा तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी हाउस में डिस आपका जो अमेंडमेंट बिल जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा के लिए ही ये स्पेशल पावर नहीं है नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नेक्स्ट द विल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टू बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग तो ये स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वहाँ पर टू टाइप की मेजोरिटी है स्पेशल मेजॉरिटी है और इन केस अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो फेडरल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है तो वहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल भी चाहिए होती है तो सिर्फ दो जो मेथड है ये बताए हुए हैं तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट right आंसर है स्टेटमेंट नंबर वन इनकरेक्ट है स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो बिल्कुल करेक्ट है अगला है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई अ सिंपल मेजोरिटी तो सिंपल मेजोरिटी के साथ साथ क्या हो सकता है ऑफ नेम्स बाउंड्रीज एंड एरियाज़ ऑफ़ स्टेट जी हाँ ये सिम्पल मेजोरिटी ही बताया है अपॉइंटमेंट ऑफ अडिशनल जजेस अगर आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात है तो वहाँ पर आपकी जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए हाफ ऑफ द लेजिस्ेशन का अबोल्यूशन ऑफ सेकेंड चैम्बर आपके काउंसिल की बात हो रही है स्टेट लजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है तो इसमें भी सिंपल मेजोरिटी लगती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ आपके फिफ्थ शेड्यूल की बात हो गई तो वहाँ पर भी आपकी सिंपल मेजोरिटी ही लगती है तो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपके बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ठीक अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो असर्शन है आपके पास बाय अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जी आपका रीजन है रीजन uh, है कि दा द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है स्टेटमेंट्स दोनों ही तो आपके पास जो ए है इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है

रीनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया जो एस सी एक्टी एस सी एस टी एक्ट है ये आपका नाइनटीन फिफ्टी फाइव वाला एक्ट नहीं है नाइनटीन फिफ्टी फाइव वाला तो ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस वाला एक्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है ये नाइनटीन फिफ्टी फाइव वाला है जो एस सी एक्टी एस सी एस टी एक्ट है ये अट्रोसिटीज़ वाला ये जो एक्ट है ये है आपका नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन एट्टी नाइन एंड जो एंग्लो इंडियन वाली जो बात है तो एंग्लो इंडियंस को जो अभी रिसेंटली वन हंड्रेड एंड फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका रिसेंटली टू थाउजेंड ट्वेंटी में पास हुआ है वहाँ पर एंग्लो इंडियन वाले प्रोविज़न को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट नंबर थ्री जो है वो करेक्ट है ठीक है तो बाकी बाकी दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो इसकी इनकरेक्ट बन जाएंगी अभी रिसेंट के हिसाब से तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच